प्याज ब्राउन हो गया और इस पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट को फ्राई किया और अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। ये मैंने बॉईल की थी, हल्का सा नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ी देर बस 2-4 सेकंड को थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का टेस्ट जो है वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको लाइट आ रही है, मसाले घोल के रखे हुए थे, थोड़ा उठा लो ना ऊपर। ये दही में मसाले घोल के रखे हुए थे, ये मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा। अब हम इसको पकाएंगे, ठीक है, इसमें हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसको ढक कर पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पानी डालकर, हमने थोड़ा सा पानी डालकर हमने पकाया इसको। हम इसको भून लेंगे। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं थोड़ी देर बाद। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, ऐसे ही डिश आउट कर लेते हैं। इसको हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इसकी इतनी सी ग्रेवी जो है वो अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाह। ये हमारी तिल्ली जो है ये तैयार हो चुकी, बहुत अच्छी से तैयार हुई है और इसको हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं और इसको हम यूँ भी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।